वालेकुम। आप देख रहे हैं अपनी प्यारी रुमैसा का चैनल रुमैसा 143। रुमैसा की प्यारी बातें, रुमैसा की प्यारी बातों से प्यार भरी खुशबू है। आज कोई काम नहीं है, ना कहीं बाहर जाने का दिल कर रहा है। दिल बड़ा उदास सा है, तो सोचा कि मैं खाना क्यों ना बना लूँ, अकेली बैठी हूँ। चलें, जब तक बच्चों ने उठना है, बच्चों को मदरसे से भी छुट्टियां हैं, तो अकेली बैठी क्या करूंगी। तो नाश्ता सुबह चाय रास्ता किया था, लेकिन अब टाइम काफ़ी हो गया, तो सोचा कि मैं खाना बना लेती हूं। तो आज मैं क्या बनाऊं सोच रही हूं, तो फिर दिल में आया कि चलें आज दाल करेले बनाती हूं। करेले आए हैं तो दाल डाल के तो दाल करेले बन जाएंगे। तो दाल करेले आपको दिखाती हूँ, इससे पहले आप मुझे जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर लें, फिर मैं आपको अपने दाल करेले की लुक चेक करवाती हूँ, ठीक है। ये देखें, आज बड़े दिल कर रहा था कुछ सब्ज़ी बनाऊँ, तो ये मैंने बनाए हैं दाल करेले। सुबह सुबह दरअसल नाश्ता किया था चाय रस का, तो अब बजने वाले हैं ढाई, तो सब्ज़ी बनाई मैंने दाल करेले। खुशबू तो बड़ी प्यारी आ रही है, अब आगे आप लोग अगर हों टेस्ट करें तो फिर आप लोग मुझे बताएं कि कैसी बनी है। फ़िलहाल मेरे तो ना टेस्ट के मुताबिक बड़ी औसम और बड़ी मज़ेदार बनी है। अब मैं ज़रा चेक करके दिखाती हूँ आपको। जी जनाब जी, अब मैं ना आपको ये टेस्ट करके दिखाती हूँ कि टेस्ट करने में कैसे बने हैं दाल करेले। जस्ट वन बाइट। बहुत मज़ेदार, अल्लाह करे मेरा ये चैनल चल जाए। अगर ये मेरा चैनल चल गया ना, फिर मैं अपना कुकिंग का चैनल बनाऊंगी और फिर मैं आपको अपनी रेसिपीज बताया करूंगी इंशाल्लाह ताला। फिर क्योंकि थोड़े से हालात भी बदल जाएंगे और फिर इंशाल्लाह ताला हमारा आपस का ना कुकिंग में भी साथ शेयरिंग रहेगी, क्योंकि कुकिंग में ना मेरी फैमिली, मेरे नेबर्स, मेरे सारे चाहने वाले, मेरे जानने वाले, मेरे घर वाले, सब जो भी मेरे हाथ का खाना खाता है ना, वो मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करता और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर मैं आपके साथ अपनी शेयरिंग रखूं। तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता बस आप लोग मेरे व्लॉग्स को लाइक किया कीजिए, वॉच किया कीजिए, पूरा वो व्लॉग देखा करें मैं कौन सा बड़ा बना रही हूँ। 3-4 मिनट का व्लॉग होता है, अगर ये 3-4 मिनट के व्लॉग में भी अगर आप मेरा साथ देंगे ना, तो इंशाल्लाह हम आगे तक ज़रूर जाएंगे। एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा, आप किसी को अगर सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा अपनी उंगली का सहारा देते हैं ना, तो उसकी वजह से अगर डूबते की जान बच जाती है ना, तो उसका अजर अजीम बहुत ज़्यादा है आपके लिए। और मैं कहती हूँ बड़े बड़े यूट्यूबर्स को तो सारी दुनिया देख रही है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को तो सारी दुनिया अप्रिशिएट करती है, मैं भी करती हूँ, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनकी हर चीज़ हमसे बहुत अच्छी है और करने भी चाहिए, करना भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, छोटे छोटे यूट्यूबर्स को भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको भी साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि जो इंसान एक चीज़ याद रखें अपनी चार दीवारी से बाहर निकलता है ना, इसका कोई तो मजबूरी है उसकी, उसके पीछे कोई ना कोई तो मसला मसाइल है ना, जिनकी वजह से वो अपने घर से बाहर आया, अपनी चार दीवारी से बाहर हुआ। क्योंकि जिसके आगे फुल प्लेट भरी हो ना, वो कभी किसी दूसरे की प्लेट की तरफ नहीं देखता, उसे यही कोशिश होती है वो अपना पेट भर के खाना खाए, वो कभी किसी दूसरे का सोचता भी नहीं। और जिनके घर में कुछ ना हो, वही लोग बाहर निकलते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। और आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है, दुनिया में देखें कितनी कुछ ज़िंदगी है, जाते जाते मौत आ जाए पता ही नहीं चलता।
और वापसी पे एंड पे वही चीज़ें आपको मिलनी हैं जो आपने नेकियां दुनिया में कमाई होंगी। और अगर आप दुनिया में नेकियां नहीं कमाएंगे ना तो वापस भी तो जाना है एक दिन, ऊपर जाके रब को भी तो मुंह दिखाना है, इतना अल्लाह ने दिया है उसका हिसाब देना है। सो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो लाजमी मेरे व्लॉग्स को वॉच कर लिया कीजिए, आपकी आपकी चाहतों का पता चल जाएगा। आपकी चाहतों का पता चलता है, आप लोग बहुत प्यार करते हैं, जैसे लाइव आती हूँ फौरन सब आ जाते हैं, लेकिन मुझे लाइव का इतना एलवी का मुझे इतना बेनिफिट नहीं है। आप लोग मेरे इन शॉर्ट वर्ड्स में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब मस्ट कर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।